गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आप एम एस सी फोर्थ सेमिस्टर वेलकम ऑल ऑफ यू इन द वीडियो लेक्चर क्लास टूडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट नेक्स्ट टॉपिक ऑफ हिस्ट्री बायोलॉजी इन द फोर्थ पेपर ऑफ एम एस सी फोर्थ सेमिस्टर जैसा कि फोर्थ पेपर में फिजरीबालोजी का जो फोर्थ पेपर है फिजियोलॉजी एंड इकोलॉजी, इसमें बहुत से पार्ट जो है आप पढ़ चुके हैं हमने अभी जो इसके पहले जो डिस्कस किया है फोर्थ यूनिट का इकोलॉजी, तो इकोलॉजी में पूरा पूरा सारे टॉपिक जो है आपके कंप्लीट हो चुके हैं एबायोटिक फैक्टर्स लेकर के प्लैक्टॉन इन रिलेशन टू तो। ये जो है पूरा सारे टॉपिक हो चुके हैं इसके पहले फर्स्ट यूनिट और सेकेंड यूनिट भी आप पढ़ चुके हैं थर्ड यूनिट में जो है कुछ टॉपिक बचे हुए हैं जो हम उसको लेकर के आप एक शुरू शुरू से स्टार्टिंग से लेके चल रहे हैं तो थर्ड यूनिट में जो है रिप्रोडक्शन है रिप्रोडक्शन में कई टॉपिक आपको पढ़ना है गोनाइट्स स्ट्रक्चर गोनाइट स्ट्रक्चर मतलब कि इसमें स्ट्रक्चर ऑफ़ स्ट्रक्चर ऑफ़ वरी स्ट्रक्चर ऑफ टेस्ट मतलब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन फिशेज हो जाएगा और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन फिशेज इस तरह से ही गोनेडी स्ट्रक्चर में सारी चीज़ें आएंगी यानी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में टेस्टिस फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में ओवरी इसके बाद फिर इसी से जुड़े हुए जो दूसरा जो टॉपिक है वो स्पर्माइट्रोजेनसिस फार्मेशन ऑफ स्पर्म्स ये पढ़ेंगे इसके बाद ओजेंसिस फार्मेशन ऑफ ओवा ओम उसके बाद गोनाइडल स्टेराइड्स गोनाइड से निकलने वाले जो हारमोन्स हैं किस गोनाइड्स एंड टेस्टिस से और से जो हारमोन सिक्रीट होते हैं जो स्टेराइड्स हैं स्टेराइड हारमोन्स से उसके बारे में आप पढ़ेंगे इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आएगा इंडोक्राइन कंट्रोल ऑफ रिप्रोडक्शन इंडोक्राइन जो हारमोन्स हैं या इंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं जैसे पिटूट्री हुआ या टेस्टिस और ये सब हुआ तो ये इन सब हारमोन्स का मतलब इंडोक्राइन ग्लैंड किस तरह से रिप्रोडक्शन गवर्न की जा रही है किस तरह से रेगुलेट हो रही है ये पढ़ेंगे इस तरह से ये कई टॉपिक हैं इसमें तो इसमें सबसे पहले हम जो है कि रिप्रोडक्शन का इंट्रोडक्शन देने जा रहे हैं फिर इसके बाद गोनेडी स्ट्रक्चर ये सब मिला करके कर ये ये आपका टॉपिक ये होगा इसके बाद इसी में दूसरा जो टॉपिक है कामन एनिमीज़ एंड सिम्टम्स एटिकोलॉजी एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज ऑफ फोर्स इसे जो है डिजीज और इसे कंट्रोल और इसका ट्रीटमेंट फूड ऑफ और इनके दुश्मन कौन है किससे इनको नुकसान पहुंचने वाला है फिर क्या लक्षण होता है ये सारा कुछ पढ़ना है तो ये बाद में यानी कि ये भी टॉपिक लंबा है तो सबसे पहले जो है हम रिप्रोडक्शन को स्टार्ट करने जा रहे हैं तो रिप्रोडक्शन इन फिशेस तो रिप्रोडक्शन इन फिशेस में पहले हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में आपको कहूँ तो इस तरह से हमने इसको आप माइंड में रखेंगे एम एस सी फोर्थ सेमेस्टर का पेपर फोर्थ का यूनिट थर्ड स्टार्ट करने में जा रहे हैं रिप्रोडक्शन इन फिशज रिप्रोडेशन एन फिश लाइक अदर वर्टिब्रेड्स द फिश यूजअली रिप्रोड्यूज सेली एंड इन ए क्वाल ऑफ देम लाइक अदर वर्टिब्रेट जैसे और भी वर्टिब्रेड्स हैं उसी तरह से फिश में क्योंकि फिश भी वर्टिब्रेट ही है क्योंकि वर्टीब्रेल कालम पाए जाते हैं तो जितने और भी वर्टिब्रेट है उसी तरह से द फिश यूजअली रिप्रोड्यूज सेक्सुअली सारे फिश जो है सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं रिप्रोडक्शन या बाई सेक्सुअल प्रोसेस होता है यानी कि रिप्रोडक्टिव आर्गन्स के थ्रू होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मेल फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के थ्रू रिप्रोडक्शन यहाँ पे भी होता है एंड इन ए क्वाइट लार्ज नंबर ऑफ देम और इसमें जो है कि uh, ज़्यादातर जो फिशेज uh, हैं वो जो है कि ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती हैं ये जड़ी रिप्रोड्यूस सेक्सुअली एंड इन क्वाइट लार्ज नंबर ऑफ दम इस्परमेटोजुवा तो एंड एग्स आर फार्म्ड इन सेपरेट इंडिविजुअल्स यानी इस और वा अलग अलग फिशज में जो है कि ये प्रोड्यूस होते हैं रिप्रोड्यूस होते हैं मेल फिशेज से इस स्परमेटोजुआ तो और फीमेल फिश से एक जो है कि का फार्मेशन होता है यानी मेल और फीमेल दोनों सेपरेट होते हैं और सेपरेटली ये जो है कि स्पर्म और ओम को एक को प्रोड्यूस करते हैं एंड द गेट्स आर एक्सपेल्ड एंड द गैमिट्स आर एक्सपेल्ड इन द सराउंडिंग वाटर और इनसे जो रिलीज होने वाले जो गैमिट्स हैं मेल फीमेल से, से फिश से यानी स्पर्म एंड ओम ये जो है कि वाटर uh, बॉडी में ये एक्सपेल कर देते हैं बाहर निकाल देते हैं जिससे कि फिर फर्टिलाइजेशन होता है वेयर फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस जहाँ पे भी ये अंडे देते हैं या इस परम जो है सेट करते हैं ये वाटर बाडी में वहीं पर इस परम ओम का मिक्सिंग होता है यूनियन होता है और फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होता है सोन फॉलोड बाय द डेवलपमेंट ऑफ नी इंडिविजुअल और जितनी जल्दी फर्टिलाइजेशन होता है फिर उतनी ही जल्दी डेवलपमेंट होता है और उतनी ही जल्दी डेवलपमेंट के थ्रू एक नया जो एक न्यू इंडिविजुअल न्यू फिश जो है कि वो डेवलप होकर के सामने आ जाता है इस तरह से रिप्रोडक्शन uh, प्रोसेस के थ्रू जो है कि एक फिश दूसरे फिश को जो है कि जन्म देती है एक फिश दूसरे फिश को प्रोड्यूस करती है तो जैसा कि आप जानते हैं कि रिप्रोडक्शन इज ए प्रोसेस बाय विच ऑल द एनिमल्स प्रोड्यूस देयर न्यू बोर्न इन फैंट्स इन देर इकोसिस्टम फॉर द फॉर द प्रोडक्शन ऑफ देयर एक्सप्रेस ऑफ द देयर जनरेशन इन वन जनरेशन टू अदर इस तरह से ये अपने आप को जो है कि रिफार्म करते हैं और प्रोड्यूस करते हैं अपनी संख्या को बढ़ाते हैं तो जैसा कि हम फिसरी बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो फिसरी बायोलॉजी में आप जानते हैं कि इसे इसके जुड़े हुए फिजियोलॉजी और इससे जुड़े हुए जिकोलॉजी के बारे में पढ़ना है क्योंकि फिज जहाँ पे भी रहते हैं इनके इकोसिस्टम इकोलॉजी के बारे में जानना जरूरी है और इनके बॉडी के इंटरनल और एक्सटर्नल जो है कि जो स्ट्रक्चर है फिजियोलॉजी है सब भी जानना जरूरी है तभी हम एक अच्छी फिशरी या फिशरी डिपार्टमेंट में अच्छी तरह से स्टडी कर सकते हैं तो रिप्रोडक्शन उसी का एक पार्ट है और एक टॉपिक है जिसमें हम इस सब के बारे में डिटेल स्टडी करने जा रहे हैं आल दो फीशेज आर मोस्टली डायोसियस और बाइसेक्सुअल एंड इनसेक्सुअुअल जैसा कि हम जाते हैं कि मैक्सिमम जो फिशज होती हैं यह डायोसियस होती हैं डायोसियस यानी कि मेल अलग फ़ीमेल अलग डायोसियस <coughs> दो होते हैं मेल अलग फीमेल अलग और इसी को हम बाई भी कहते हैं यानी कि मेल फीमेल अलग अलग होते हैं ये अलग अलग टर्म है यूनिसेक्सुअल यानी मेल अलग फ़ीमेल अलग इस तरह से ये जो है कि मै मोस्टली जो फीसेज होती हैं वो लेकिन कुछ ऐसे फीसेज होते हैं जो <coughs> मेल फीमेल अलग अलग यानी डायमार इनमें नहीं पाया जाता वो जो है कि हर्मफ्रोडाइट भी होते हैं तो उसमें उसकी भी हम जिक्र करेंगे आल दो फीशस आर मोस्ट से आर बाइसेक्सुअल एंड यूनिसेक्सुअल एट सम आप बोनी फीशज एंड साइक्लोस्टोम्स आल्सो शो हर्मफ्रोडाइट हरमा हर्माफ्रोडाइट यानी कि मेल फीमेल ज़्यादातर फीशज मेल और फीमेल अलग अलग होती है लेकिन कुछ ऐसे फीसद हैं जैसे बोनी फीशज और साइक्लोस्टोम्स साइक्लोस्टोम्स एम बोनिफिसेज जो होते हैं ये जो है हर्माफ्रोडाइट हर्माफ्रोडाइट होते हैं यानी एक ही एनिमल बॉडी में एक ही फिश बॉडी में मेल फीमेल दोनों जो है कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पाए जाते हैं इन वन बॉडी ऑफ फिशज देर आर फाउंड मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड बोथ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रिलेटेड विथ ईच अदर दैट इज़ नोन एज हर्माफ्रोटाइड एक ही एनिमल बॉडी में मेल फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पाए जाते हैं ऐसे फीशेस को जो है कि हर्माफ्रोटाइड बोलते हैं माना कि ज़्यादातर जो है फीशेज हैं उनमें जो है कि मेल फीमेल अलग अलग होते हैं लेकिन कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल हैं जैसे बोनी फिश में और साइक्लोटोम से जो हर्माफ्रोटाइड होते हैं इसके अलावा एक जो है कि रिप्रोडक्शन का यानी कि जनरेशन फार्मेशन का जो है एक और मेथड होता है जिसमें ए, ए, ए सेक्सुअली रिप्रोडक्शन होता है यानी कि बिना सेक्सुअल प्रोसेस के जो है कि ये एनिमल्स अपने मेंबर्स को अपने जनरेशन को आगे बढ़ाते हैं जिस प्रोसेस बोलते हैं पार्थिनोजेंसिस तो पार्थिनोजेंसिस भी देखने में कुछ मिलता है पार्थिनोजेंसिस दो हैज़ नॉट बीन रिपोर्टेड एमंग फिशेज इन देयर नेचुरल इन्वामेंट यानी कि पारथिनोजेंसिस जनरल वे में नेचुरल इन्वायरमेंट में फ़िश में देखने को नहीं मिलता ये टॉपिक लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी है अगर इसको जो है कि एक्सपेरिमेंट किया जाए तो जो है कि पार्थिनोजेंसिस कराया जा सकता बट इट इट कुड हैव बीन प्रोड्यूस एक्सपेरिमेंटली यानी नेचुरल वे में तो पार्थिनोजेंसिस फिश में नहीं पाए जाते लेकिन अगर एक्सपेरिमेंटली एक्सपेरिमेंट के थ्रू एक लैब वर्क किया जाए तो इसमें पार्थिनोजेंसिस प्रोसेस जो है कि कराया जा सकता है यानी पार्सिनोजेंसिस के थ्रू जो है फिश का प्रोडक्शन कराया जा सकता है तो इस तरह से हमने देखा कि तीनों चांसेज़ हैं एक तो ये मेल फीमेल दोनों सेपरेट बॉडी होती है इसके अलावा साथ साथ हेमाफ्रोडाइड भी ये होते हैं साइक्लोस्टोम से और पार्सिनोजेंसिस के भी चांसेज हो सकते हैं पॉसिबल है तो इस तरह से इसके रिप्रोडक्शन के इंट्रोडक्शन में आपने जो है कि इस चीज़ की जानकारी ली और इसके बाद इंट्रोडक्शन को अगर और आगे हम बढ़ाते हैं तो देखते हैं हाउ यूवर दीज मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन कैन वनली बी टेकन एज ए अनयूजल टाइप्स टाइप एंड द मेजोरिटी ऑफ द फिशेस है मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन सेपरेटली इस तरह रिप्रोडक्शन के मोड में ज़्यादातर तो फिशज जो है सेक्सल रिप्रोड्यूस करते हैं तो इसलिए इनके अंदर जो है कि मेल और फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं वो जो है सेपरेट होते हैं अब तो ए, फिर इसके बाद इनके जो सेपरेट जो सेक्स आर्गन्स हैं इनके स्टडी भी हम आगे चल के करेंगे क्योंकि तो अगर प्रोडक्शन को डिटेल में पढ़ना है तो इनके जो है कि चीफ जो आर्गन्स हैं चीफ सेक्सुअल आर्गन्स हैं चीफ जो है कि मेल और फीमेल सेक्स आर्गन्स हैं इसको जो है हमें जो है कि अपना जो है कि ये फोकस करना होगा इस पर स्टडी के लिए द टू सेक्सेस ऑफिस कैन नाट बी डिस्टिंगज एक्सटर्नली अब मेल और फीस मेल फिश और फीमेल फिश को अगर जनरल वे में देखना चाहें ये जानना चाहें कि ये मेल फिश कौन है फीमेल फिश तो इसे हम पहचान नहीं सकते जनरल वे में हम इसे जो है कि समझ नहीं सकते द टू सेक्सेज ऑफ फीशेज कैन नॉट बी डिस्टिंगज एक्स्टर्नरी बाहर से इसके बॉडी के बाहर से हम इसे अच्छी तरह नहीं समझ सकते इसके लिए कुछ जानकारी हमें अलग से क्योंकि ज़्यादातर फिशेज मेल फीमेल दोनों लगभग सिमिलर स्ट्रक्चर के होते हैं दो इंसल्टेंट केसेस सेक्सुअल डाइमारफिजम है इज़ आल्सो रिपोर्टेड लेकिन कुछ ऐसे केसेस हैं जिसमें जो है कि सेक्सुअल डाइमारफिजम देखने को मिलता है <coughs> यानी फिश को अगर हम ध्यान से अगर स्टडी करना चाहें तो हम इस बात का पता लगा सकते हैं कि कौन मेल फिश है कौन फीमेल फिश है रिप्रोडक्टिव तो सीजन में तो पता चल ही जाता है क्योंकि एक भरे होते हैं फीमेल्स बॉडी में तो उसे हम जानकारी हो लेकिन जनरल वे में हम नहीं पता लगा सकते लेकिन अगर कुछ ऐसे फिशेज में इस तरह डायमारफिज्म बाहर से देखने में ही पता चल जाता है कौन फिश मेल है कौन मेल फीमेल है तो वो डायमारफिजम भी देखने के रिपोर्ट में आया है इसका भी पता चला है नेवरथलेस दिस टाइप ऑफ आइडेंटिफिकेशन इज चीफली बेस्ड अपॉन सर्टन लेबाइल differences इन मार्फोलॉजी तो अगर ये डायमारफिज़म की बात करें यानी कि हम जो हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते लेकिन अगर इसको जानना चाहें तो ज़्यादातर जो है इसको मार्फ़ोलॉजिकली हम जो है इसके कुछ डिफ़रेंसेस को देख करके शो करके पता लगा सकते हैं जान सकते हैं कलरेशन से पता यानी कि मार्फोलॉजी एक तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर से पता लगा सकते हैं दूसरा कलरेशन से उनके कलर को देख करके भी हम कुछ आइडिया लगा सकते हैं मेल फीमेल के लिए सेक्स प्ले बिहेवियर और इनके जो जो सेक्सुअली जो बिहेवियर है सेक्सुअल बिहेवियर उसको देख करके के भी जो है कि कुछ आइडिया लगा सकते हैं कि कौन मेल है कौन फीमेल है इसके अलावा और भी कुछ ऐसे एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ के द्वारा ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीजन और ये सब लेकिन हम ब्रीडिंग सीजन में ही पता लगा सकते हैं क्योंकि ब्रीडिंग सीजन में उनके मार्फोलॉजी या उनका कलर या उनका बिहेवियर जो है चेंज होता है और उसी समय हम ये आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं ब्रीडिंग सीजन में कि ये डाय दा, इनके डाइमारफिजम का या इनके जो मेल फीमेल होने का जो है कि एक्सटर्नल जो है कि फीचर पता कर सकते हैं दो देयर आर मेनी स्पेशलाइजेशन रिपोर्टेड एसोसिएटेड विथ रिप्रोडक्शन इन फिश इसके अलावा बहुत से ऐसे स्पेशलाइजेशन हैं जिनके द्वारा जो है कि हम पता लगा सकते हैं और, और ये जितने भी स्पेशलाइजेशन हैं जो रिपोर्ट में आए हुए हैं वैज्ञानिकों द्वारा ये जो इनके रिप्रोडक्शन से जुड़े हुए फीचर्स हैं यानी रिप्रोडक्शन के स्पेशलाइजेशन है रिप्रोडक्शन में से जुड़े हुए जो एस्पेक्ट हैं इसकी जो स्टडी है तो हमने देखा कि इंट्रोडक्शन में रिप्रोडक्शन इन फीस के इंट्रोडक्शन में आपने कई चीज़ों की जानकारी ली और जो है कि जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे अब हम एक एक करके इसके जो टॉपिक पर जब चलेंगे तो उसमें जो है कि सबसे पहले जो टॉपिक आ रहा है हेडिंग आ रही है वो सामने है गोनाइड्स स्ट्रक्चर गोनाइड स्ट्रक्चर यानी कि गोनाइड का स्ट्रक्चर गोनाइड में, में मेल गोनाइड की बात करें तो वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी कि टेस्टिस और फीमेल गोनाइड की बात करें तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी कि ओवरी यानी कि गोनाइड में दोनों स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे टेस्टिस के बारे में और ओवरी के बारे में तो जनरल वे में जो हेडिंग दिया गया है गोनेट स्ट्रक्चर तो हम पहले इसके बारे में गोनाइट की बात करेंगे फिर उसके बाद मेल और फीमेल गोनेट पर आएंगे द गोनाइ ऑफ फिशेज लाइक ऑल अदर वल्टीब्रेट्स एराइज इन द डार्सोलेटरल डार्सोलैटरल लाइनिंग लाइनिंग ऑफ द पेरिटोनियल कैविटी कैटीड वन दैट इज़ वन गोनाइड ऑन ईच साइड ऑफ द डार्सर मिजेंट्री यानी पहले तो इसका लोकेशन हमें देखना है कि जैसे और वर्टिब्रेट्स में जो है कि गोनाइट पाए जाते हैं उसी तरह से जो है कि फ़िश में भी गोनाइट पाए जाते हैं और ये जो है कैसे एराइज़ होते हैं कहाँ पाए जाते हैं इसके बारे में आप देखेंगे एराइज़ इन द डार्सो लेटर लाइनिंग ऑफ द पेरीटोनियल कैटी पेरीटोनियल कैटी पेरीटोनियल कैटी आप जानते हैं कि बॉडी बाल और जो बॉडी सिलोम है तो दोनों का जो है कि एक इनर जो इनर जो लाइनिंग होती है उसे पेरिटोनियम बोलते हैं एक तो बॉडी बाल होता है दूसरा इनर बाल हो, होता है गट का या और पे, पेरीविसरल बाल होते हैं तो उसको जो इनर बाल होता है उसको पेरिटोनियल और उन दोनों के बीच में जो कैविटी होती है जो जगह होती है बॉडी के अंदर उसको पेरिटोनियल कैविटी बोलते हैं तो ये जो है डार्सो रेड डार्सो साइड ये बॉडी के ऊपर साइड में और ऊपर और एक साइड में जो है कि ये उसी लाइनिंग पर पाया जाता है यानी डार्सो लेटर लाइनिंग पर पेरिटोनियल कैविटी से ही ये अरेंज होते हैं यानी बनते हैं दैट इज़ और इसको और क्लियर करें तो ये वन गोनाइट ऑन ईच साइड ऑफ द डार्सल मीजेंट्री डार्सल मिजेंट्री के डार्सल यानी डार्सल बॉडी के ऊपर का जो मेजेंट्री है मेजेंट्री मतलब मीजो से बना हुआ जो पार्ट है तो डार्सल मेजेंट्री के दोनों साइड में जो है कि गोनाइट पाया जाता है गोनाइट मतलब वो मेल गोनाइट भी होगा फीमेल गोनाइट भी हो सकता है तो इसका ये लोकेशन आप देने देखा ये आप देख रहे हैं कि लोकेशन किधर है किधर ये एराइज करता है यानी गोनाइट द डेवलपमेंट ऑफ गोनाइट इज एसोसिएटेड विद इसक्रिटरी सिस्टम द डेवलपमेंट ऑफ गोनाइड इज एसोसिएटेड विथ द इस्क्रेटरी सिस्टम यानी जो गोनाइड है फिश का वो जो है इस्क्रेटरी सिस्टम से जुड़ा हुआ एराइज करता है यानी डेवलप होता है यानी इसी को हम इस्क्रिएटरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी गोनाइट ये दोनों जब एक साथ जुड़े हुए डेवलप होते हैं बॉडी में और इसी को जो है हम जो है यूरिनोजनाइट सिस्टम बोलते हैं अगर रिप्रोडक्टिव आर्गन को सिर्फ हम डिस्कस करते हैं तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम बोला जाता है इसक्रिटरी आर्गन को अगर उससे सेपरेटली डिस्कस करते हैं तो इसक्रिटरी सिस्टम बोला जाता है लेकिन जब रिप्रोडक्टिव आर्गन और इसक्रिटरी सिस्टम दोनों को जोड़ करके एक साथ क्योंकि दोनों का एक साथ डेवलपमेंट होता है इसकी जब स्टडी करते हैं तो इसको जनरल वे में जो टर्म देते हैं होता है यूरिनोजेनाइटल सिस्टम बोला जाता है द मोर लेटरली सिचुएटेड कॉल्टिक्स और कॉल्टिकल पोर्शन एराइज एज एज एन इलांगटेड रिजज रिज ऑफ पेरीटोनियल वाल एंड इज डिस्टाइंड टू बिकम एन ओरी अब ये जो है ओरी कैसे जो है कि एराइज करती है ये देखेंगे द मोर लेटरली सिचुएटेड कॉल्टेक्स यानी कि बॉडी के जो अभी हमने बताया कि जो मिजेंट्री वाल है यानी डार्सोवेंटल साइड पेरुटोनियल कैविटी के, के पास वहाँ पे द मोर लेटली यानी बॉडी की एकदम साइड में जो है कि क्या मौजूद होता है सिचुएटेड कार्टिक्स कार्टिक्स मौजूद होता है या उसे को पोर्शन भी बोलते हैं कार्टिक्स वाला भाग और वहीं से जो है कि एक जो है इलांगेटेड रिज यानी एक जो है कि उभरा हुआ भाग जो इलांगेटेड होता है वो निकलता है और वो जो है कि पेरिटोनियल वाल्व से जुड़ा जुड़ा जो है कि धीरे धीरे ग्रो करता करता जाता है और एंड इज डिस्टाइंड टू तो बिकम एन और यही आगे करके धीरे धीरे ग्रो करके जो है कि बढ़ जाता है एराइज कर जाता है और इसी को ओवरी बोलते हैं दे मेडरी यानी कि कहने का मतलब है कार्टेक्स वाले भाग से लेटरल बॉडी का लेटरल साइड में जो कार्टिक्स मौजूद है या कार्टिकल पोर्शन है उसी से एराइज़ होकर एक एलानगेटेड बॉडी बनती है जिसको हम ओवरी बोलते हैं और वहीं पर द मेडुलरी पोर्शन विच इज सिचुएटेड इन मोर मीडियल सेलुलर प्रोलिफरेशन डिस्टेंटू और वहीं के वहीं पर हम देखते हैं जो अभी ये तो लेटर साइड की बात है, लेकिन जो मीडियन साइड में उसी कैविटी में पेरिटोनियल कैविटी के अंदर जो है जो मीडियल भाग है वहाँ पर कुछ सेल्स जो है कि प्रोलिफरेट हो करके ग्रो करके मल्टीप्लाई करके जो है कि एक एक पोर्शन बनाते हैं एक आर्गन बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं टेस्टिस फार्म टेस्टिस एंड आल्सो फार्म्ड द एडिनल काल्टिक्स और इसी से जो है एडिनल <coughs> काल्टिक्स भी बनता है इस तरह से हमने देखा कि जो मीडियन मीडियल मीडियन रीजन में टेस्टिस का फार्मेशन होता है लेटरल साइड में जो है कि ओवरी का जो है कि स्ट्रक्चर मतलब फार्म करता है बनता है अब यहाँ पे जो है कि एक स्ट्रक्चर यहाँ पे जनरल वे में हमने एक फ़िश का जो है कि स्ट्रक्चर दिया है इसको ध्यान में रखेंगे तो इसमें जो है देख रहे हैं कि किसी भी फिश को फ़िश को जो है अगर उल्टा करके रख देते हैं पलट के रखते हैं तो पलट के रखते हैं तो देखेंगे उसके जो है कि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है यानी कि इसके जो है जो मेल फीमेल जेनाइटर आर्गन उसका लोकेशन एकदम क्लियर हो जाता है तो इसके बाद हमें मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड टेस्टिस तो और के बारे में डिटेल स्टडी करनी है तो इसके लिए जो है कि हम यहाँ पे इस फिगर को पाले देख दिखाना चाहते हैं ये फिगर किसी एक पर्टिकुलर कोई टिपिकल फिश को ले लेते हैं ये इसकी पलट करके इस फिश को रखे हुए हैं उल्टा करके यानी इसके वेंटल साइड से ये स्ट्रक्चर दिखाया गया है ये इसकी जो एक हेड रीजन जिसमें ये आई दिख रहा है अब इसके बाद यहाँ पे इसके गिल अपर्चर साइड में होते हैं तो फिलहाल इससे हमसे मतलब नहीं है बहुत से ऐसे आर्गन यहाँ हमने लेबल्ड किया है जिससे मतलब नहीं है लेकिन लोकेशन समझने के लिए यह लेबलिंग की गई है अब यहाँ पर हमें देखना है टेस्टिस तो टेस्टिस देखिए यहाँ पर ये ओवरी और टेस्टिस यानी कि ये इसका जो एबडोमनल रीजन है एबडोनल रीजन के ऐसे थोड़ा सा लोअर साइड में जब चलेंगे तो यहाँ पे ये बॉडी वाल होता है और ये पेरिटोनियल होता है यानी बीच में ये स्पेस होता है इसी में ये दोनों के जो है साइड में जो है ये बनते हैं तो यही जो है ओवरी या टेस्टिस हम लिखा है यानी कि क्या ये मतलब एक टिपिकल स्ट्रक्चर है ये ओवरी भी हो सकता है यह टेस्टिस भी हो सकता है तो दो अलग अलग फिगर ना बना के हमने एक ही फिगर में दोनों को आपको समझने के लिए दिखाया है कि ये ये दो भागों में ये जो लेफ्ट और राइट दोनों ओवरी हो सकते हैं या लेफ्ट राइट ये टेस्टिस हो सकते हैं तो मेन रिप्रोडक्टिव आर्ग यही होता है और इसी से जुड़ा हुआ जो है कि ये देखिए एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बाहर बॉडी के बाहर निकला हुआ है तो ये जो ओ डक्ट अगर ओवरी है तो इससे ये जो डक्ट निकलेगा नलिका निकली हुई है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ये ओविडक्ट होगा अगर ये टेस्टिस है तो ये जो है वाइस डिफरेंस बोला जाता है इस तरह से हमने जो एक ही फिगर में दिखाया उसके अलावा देखिए ये ये इसके ऊपर ये ट्रंक किडनी है ये किडनी वाला पोर्शन है उसके ऊपर ये ईसा फेगस है उसके ऊपर चलेंगे तो ये देखिए ये लीवर है लीवर फैला हुआ है इसके ऊपर ये हार्ट है ये पैक्टोरलफिन से दोनों तरफ दिखाई दे रहे हैं और इसके जो लोअर साइड में चलेंगे पेरुटोनियल कैविटी के आगे तो ये एनस दिखाई दे रहा एनस के है के आसपास ही कई तरह के जो है कि सेपरेट ए, एरिया होते हैं अगर बहुत ध्यान से समझेंगे तो क्लियर होगा एक तो पूरा का पूरा जो ओपनिंग जो दिखाई देती है इसे हम कहते हैं लेकिन इसी के जो है कि ऊपर का जो कवरिंग होती है उसे बोलते हैं सीडो कापोलेटरी पेपिला यानी इस ओपनिंग को जो ढके रहता है ऊपर से एक जो झिल्ली या कवर जो होता है उस जो समय आने पर जो है कि प्रोटूडो के बाहर आ जाता है फिर अंदर चला जाता है इसको जो है कि सीडो कापोलेटरी पैबिला बोलते हैं एक उभार दुमा होता है उभरा हुआ भाग सीडो कापोलेटरी पाबिला यानी एक आभासी होता है सीडो होता है और ये इसी के पास देख लीजिए यूरिनोजेनाइटल ओपनिंग इन मेल अगर ये मेल फिश है तो यूरनोजनाइटल ओपनिंग भी मतलब इसी रास्ते से होता है तो यूरनो ओपनिंग इन मेलोजन और यहीं पे जो है कि यूरिनरी अपर्चर इन बोथ चाहे मेल हो चाहे फीमेल दोनों का जो यूरिनरी अपर्चर है यानी जो ओपनिंग यानी कि जो स्क्रेटरी वेस्ट मटेरियल भी इसी से ये जो आउट करते हैं एग्जिट करते हैं तो यानी यूरिजेनाइट अपर्चर भी यही इसे ही कहेंगे और इसके जो है कि जो क्योंकि इसी रूट से एग और स्पर्म भी रिलीज़ होते हैं वाटर बॉडी में तो इसलिए इसी को फीमेल जेनाइटल पोर भी कह सकते हैं या इसी को हम जो है कि ये मेल जेनाइटल पोर भी कह सकते हैं लेकिन मेल जेनाइटल पोर करने से एम, बेटर है कि इसको यूरनो जेनाइटल ओपनिंग मेल कह सकते हैं इस तरह से एक ही एनिमल बॉडी के अंदर जो है कि डिफरेंट जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है इसी के बीच में इसका जो है कि रिप्रोडक्टिव आर्गन का लोकेशन भी आपने देखा फिगर शो कर रहा है फिगर फीमेल और मेल जेनाइटल आर्गन लोकेसन व्यू ये लोकेसन वी का फिगर है इसके बाद हम आएंगे टेस्टिस को अब ये टेस्टिस भी हो सकता है वह वही हो सकता लोकेसन आपने देखा अब इसको जो है कि डिटेल में इसकी स्टडी हम करेंगे तो मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन पहले स्टडी करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द मेल फिश कंसिस्ट ऑफ टेस्टिस यानी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का जो मेन जो ऑर्गन है चीफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो क्या है टेस्टिस है माना कि उससे जुड़े भी और भी एक्सेसरी पार्ट होते हैं लेकिन मेन जो इसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो क्या है टेस्टिस है और टेस्टिस की यानी गोनेड स्ट्रक्चर हमें पढ़ना ही है तो गोनेड में यानी टेस्टिस स्ट्रक्चर टेस्टिस का स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस ही हमें पढ़ना है तो आपने अभी लोकेशन देखा अब हम टेस्टिस की स्ट्रक्चर पर्टिकुलर किसी फी मेल का टेस्टिस को लेते हैं उसका जो है कि ये एक्सटर्नल आर्गन यानी मार्फोलॉजी और साथ साथ उसका एनाटॉमी दोनों स्टडी करेंगे द टेस्ट टेस्टिस आर इलांगेटेड पेयर्ड स्ट्रक्चर्स अटैच्ड टू द डार्सल बॉडी बाल यानी बॉडी बाल के जो डार्सल बाल ये ऊपर का भाग जैसे ये ये इसका ऊपर uh, का डार्सल भाग है ये वेंटल भाग तो जो डार्सल वाल होता है जो ऊपर का जो वाल होता है डार्सल उसी से अटैच होता है टेस्टिस आर इलांगेटेड इलांगेटेड ये देखिए इलांगेटेड स्ट्रक्चर है इलांगेटेड ये इलांगेटेड है ये है। क्योंकि मिजेंट्री जुड़ा होता है ये इलांगेटेड तो दब, है टेस्ट तो टेस्ट आर इलांगेटेड पेयर्ड ये डबल होते हैं यानी कि राइट भी होते हैं लेफ्ट होते हैं पेयर होते हैं डबल होते हैं पेयरड स्ट्रक्चर अटैच टू द डार्सल बाडी वाल के डार्सल वाल से ये जुड़े होते हैं ऊपर वाले भाग से ऊपर वाले वाल से ये अटैच होते हैं सटे रहते हैं जैसे ये इसके ऊपर एक कवरिंग होगी फ्राम द पोस्टीरियर फ्राम द पोस्टीरियर म्यूजोडर्मल सरफेस ऑफ ईच टेस्टिस अगर जो है फ्राम द पोस्टीरियर म्यूजोडर्मल सरफेस ऑफ ईच टेस्टिस टेस्टिस के हम जो है कि अगर इसके पोस्टीरियर सरफेस की बात करें पोस्टीरियर साइड यानी टेस्टिस के बैक साइड में तो उसके सरफेस पर तो फ्रॉम द पोस्टीरियर म्यूजोडर्मल सरफेस ऑफ ई टेस्टिस द मेन स्पर्म डक्ट डक डिफरेंस एराइजेज यानी इसके जो है कि पोस्टीरियर रीजन से जो है कि आप जैसे ये देखिए ये ट्यूब निकला हुआ है यही ट्यूब क्या है इसका जो है डिफरेंस है वेस्ट डिफरेंस के पोस्टीरियर रीजन से यानी ये टेस्टिस है टेस्टिस के पोस्टीरियर साइड से ये जो है कि लेबलिंग नहीं की गई है लेकिन आप इसको समझ लीजिए ये जो है कि वॉइस डिफरेंस है इस परमोडक्ट जिसे बोल कह सकते हैं आप इस पर क्योंकि इस पर मिसीज से रिलीज होकर बाहर निकलता है तो फ्राम द पोस्टीरियर मिजोडर्मल सरफेस ऑफ ईच टेस्टिस द मेन स्परमोडक्ट वॉइस डिफरेंस एराइज यहीं से जो है कि वॉइस डिफरेंस एराइज होता है यानी पोस्टीरियर साइड से एंड लीड्स टू द यूरोजेनाइटल पाइपिला और ये जो है कि यूरिनोजेनाइटल पैपला से जा जुड़ जाता है अभी आकर करके देखिए इसमें मिला हुआ है तो यूरिनोजेनाइटल पेपला यानी ये ओपनिंग है बाहर निकलता है इसी से आकर के ये जुड़ा हुआ था यूरोजेनाइटल पेपला सिचुएटेड बिटवीन द रेक्टम एंड यूरिनरी ब्लेडर यूरिनरी ब्लेडर और रेक्टम uh, दोनों के बीच में ये यूरिनोजनाइटल पापिला होता है और उसी से जो है कि ये वैसे डिफरेंस जो है टेस्टिस से निकल करके जाके जुड़ा होता है जुड़ जाता है द टेस्टिकुलर स्ट्रक्चर ऑर्गोनाइल स्ट्रक्चर इज थाट वेरिएबल इन अदर फिशेज अब टेस्टिक टेस्टिस का स्ट्रक्चर अब यहाँ एक टिपिकल स्ट्रक्चर आपको दिखाया गया है एक मतलब पर्टिकुलर एक फिश में जो है कि टेस्टिस कैसा है लेकिन क्योंकि बहुत वेराइटी है फिशेज में बहुत लंबी सीरीज है फिश के अंदर फिशेज में तो इतने तरह के जो फीसेज हैं तो इसमें कहीं ना कहीं कुछ न कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंसेस हर फीस के टेस्टिस में होता है तो वही यहाँ पे देखने के ऐसा कंसेप्ट है द टेस्टिकुलर स्ट्रक्चर यानी टेस्टिस का स्ट्रक्चर और गोनेडल स्ट्रक्चर यानी गोनाइड का स्ट्रक्चर इज थाट वेरिएबल इन अदर फीसेज ऐसा विचार है वैज्ञानिकों का कि जो है कि हर फीस में कुछ न कुछ ये वेरिएबल हैं अलग हैं डिफरेंस स्ट्रक्चर के हैं तो इस तरह से ये यह, यह, यहाँ पर जो कुछ क्योंकि यहाँ पे जनरल वे में फिस रिप्रोडक्शन इन फिस पढ़ना है तो यहाँ पे हर फीस इतनी तो वैरायटी ऑफ फीस है कि हर फीस के टेस्टिस को पढ़ना संभव नहीं है कुछ के जिक्र तो किए जा सकते हैं लेकिन सारे फीस के टेस्टिस या गोनाइट के स्ट्रक्चर को यहाँ पे स्टडी कर पाना नामुमकिन है लेकिन ये मान के चलना है ये माइंड में रखना है माइंड सेटअप करना है कि जितने जितनी हैं उनके टेस्टिस में कहीं न कहीं से कुछ न कुछ सब में डिफरेंस है यानी वेरिएबल वेरिएबिलटी है अभी हम देख रहे हैं कि स्ट्रक्चर यहाँ पे थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं ये टेस्टिस है टेस्टिस के जो है कि यहाँ पर स्पर्म का फार्मेशन होता है फिर ये जो है कि सब आपस में देखिए जुड़े हुए हैं हर टेस्ट ये अलग अलग जो है इसके पॉल्ट है इसे हमने वेसिकल्स ट्यूबेल ये जो है कि इस्फर्म रिलीज होकर के जो है कि जेनाइटल पोल्ट यहाँ आते हैं अब इसी का ठीक इसको डार्सा साइड में नेफ्रोस है मीजो का मतलब कि जो यूरनरी ब्रेडर से जुड़ा हुआ है और जो किडनी यानी मीजो का मतलब कि किडनी है इसकी किडनी वाला पोर्शन है किडनी के अटैच लगा होता है और ये जो है कि क्योंकि ये कार्टेक्स से किडनी के कार्टेक्स भाग से ओरी का फार्मेशन होता है मेडुला वाले भाग से टेस्टिस का फार्मेशन होता तो नेफ्रिक डक्ट इससे जुड़े हुए होते हैं अब इसका भी डक्ट आ करके इससे जुड़ा हुआ है टेस्टिस का अडक्ट यानी दोनों आपस में आकर जुड़े हुए हैं इसीलिए इसको जो है कि यूरिनोजेनाइटल सिस्टम कहा जाता है यानी कि ये ये मीज़ो नेफ्रास जो है यानी कि किडनी है और ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों आपस में जुड़े हुए यानी कि ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है हम इसको सेपरेट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं कर सकते सिर्फ टेस्टिस का स्ट्रक्चर नहीं कर सकते यानी कि दोनों आपस में जुड़े हुए होते हैं तो इसलिए यहाँ फिगर दिखाया गया यूरिनोजेनाइटल सिस्टम इन मेल फिस ये पूरा पुर यूरिनो सिस्टम यानी किडनी है या टेस्टिस है दोनों आपस में जुड़े हुए हैं और आपस में जहाँ जुड़ते हैं फिर ये जो है बाहर कुलयिका से बाहर हो जाते हैं इस तरह से हमने एक टेस्टिस का जनरल ये एनिमल बॉडी का स्ट्रक्चर देखा जिसमें इनका लोकेशन को दिखाया गया दूसरा ये पर्टिकुलर एक टेस्टिस का जो स्ट्रक्चर है खास तौर से टिलियोस्टिस का वहाँ पर दिखाया गया इलांगेटेड बॉडी अब इस टेस्ट से जुड़े हुए और भी जो रिलेटेड जो पॉइंट्स हैं वो हम आपको जो है कि आगे लिख चल रहे हैं अब यहाँ देखिए द टेस्ट आर जनरली टेस्टिस टेस्ट पेयरिंग में होते हैं यानी कि जनरल वे में ज़्यादातर फीस के अंदर जो टेस्ट होता है वो डबल होता है यानी दो होते हैं दोनों साइड में दोनों लेटरल साइड में होते हैं लेकिन कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल हैं जिनमें टेस्ट जो है सिर्फ सिंगल पाई जाती है जैसे सिंगल इन नोट ऑफ टेरस एम्फिप एम्फिपनस एम्फिपनस तो दो ऐसी फीसें नोट ऑफ टेरस एम्फिपनस इसमें जो है कि सिंगल एक ही ओवरी ही पाए जाते हैं, टेस्टिस पाया जाता है लेकिन ज़्यादातर फीस में जो है वो पेयर में होते हैं डबल होते हैं एंड लाइक लेंथ वाइज बिलो द किडनी इन द ट्रंक रीजन ऑफ द बॉडी कैविटी और ये जो टेस्टिस हैं यानी जहाँ डबल पाए जाते हैं चाहे सिंगल पाए जाते हैं कहीं पे भी ये जो है कि लेंथ वाइज जो है कि किडनी के नीचे होते हैं किडनी के नीचे ये लेंथ वाइज लेकिन लंबाई में लगे होते हैं और कहाँ पर होते हैं ट्रंक रीजन में बॉडी का ट्रंक रीजन में जो कैविटी होती है यानी हेड और टेल के बीच में जो बॉडी का जो बाकी पार्ट है ट्रंक है और उसी के अंदर जो कैविटी या जगह है बॉडी कैविटी <सथ> उसी में जो है कि ये किडनी के नीचे पूरे लंबाई में लेंथ वाइज ये जुड़े होते हैं दोनों किडनी अगर जिसमें एक किडनी जिसमें एक टेस्टिस है वो सिर्फ एक होता है और जिसमें दो होते हैं वो दोनों लंबाई में जुड़े यानी कि दोनों का लोकेशन और स्ट्रक्चर लगभग सेम होता है दे रिमेन सस्पेंडेड बाई ए फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम टू द मिड डार्सल साइड ऑफ द बॉडी कैविटी दे रिमेन सस्पेंडेड और ये दोनों जो टेस्टिस हैं ये जो है कि सस्पेंडेड uh, यानि लटके होते हैं लगे होते हैं कहाँ पे बाई ए फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम पेरिटोनियम के फोल्ड पर पेरिटोनियम पर जो है कि के फोल्ड पर यानी मुड़े विभाग पर ये ये अटैच होते हैं बाई ए फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम पेरिटोनियम के फोल्ड से जुड़े होते हैं टू द मिड डार्सल साइड मिड डार्सल साइड में यानी कि डार्सल साइड में होते हैं और मिडिल साइड में यानी मिडिल और डार्सल साइड के पास ये जो है कि होते हैं जैसा कि इस स्ट्रक्चर में दिखाया गया है इस लोकेशन देखिए ये मिड और डार्सल डार्सल साइड ऊपर का और ये मिड रीजन ये, ये दोनों जो टेक्सिक जो है अटैच हैं मिड डार्सल साइड ऑफ द बॉडी कैविटी बॉडी कैविटी के में बीच में यानी बॉडी के अंदर जो जगह है उसमें ये अटैच होते हैं पेरीटोनियल के फोल्ड पर यह जो है कि लटके होते हैं द शेप ऑफ द टेस्टिस देप ऑफ द टेस्टिस वेरी द शेप ऑफ द टेस्टिस वेरी विथ द मेजोरिटी ऑफ द फिश अब जो जो सेप टेस्टिस का जो सेप होता है वो अलग अलग पहले बताया कि इनका इस्टचर सब में अलग अलग होता है काफ़ी मेजोरिटी में इनका डिफरेंस होता है द शेप ऑफ द टेस्टिस वेरी ये स्ट्रक्चर जो बदलता रहता है दे ओवल इलांग दे ये ओवल होते हैं इलांगेटेड होते हैं और थ्रेड लाइक इन डिफरेंट फीचर्स या कुछ ऐसे फीस में ये थ्रेड या धागे जैसे होते हैं इम मैचोर टेस्टिस इज ट्रांसपेरेंट जो जब तक ये टेस्टिस मेचोर नहीं होती यानी कि फिश जब तक ये एडल्ट नहीं होता उसके पहले इसकी जो टेस्ट होती है वो ट्रांसपेरेंट होती है एंड अपर मैचोरिटी बिकम्स क्रीमी और इस और जब मैच्योरिटी की कंडीशन में आता मैच्योर हो जाता है तो ये जो है कि क्रीम कलर का हो जाता है क्रीम कलर का क्रीमी जैसा हो जाता है वाइट क्रीमी वाइट क्रीमी वाइट कलर का हो जाता है टू पिंक क्रीमी वाइट से पिंक पिंक रेड में बदल जाता है यानी मेचोरिटी पर पहले तो ट्रांसपेरेंट होता है मेचोर जो होता है तो ये क्रीमी वाइट से पिंक कलर यानी क्रीमी व्हाइट शुरू शुरू में दिखता है फिर धीरे धीरे मैच्योर होता चला जाता है और ये पिंक कलर में ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीजन ये कब होता है ब्रीडिंग सीजन में होता है यानी रिप्रोडक्टिव पीरियड में भेन देयर वेस्कुलर सप्लाई भेन देयर वैस्कुलर सप्लाई इंक्रीज कंसीडरेबली क्योंकि जब उसका वेस्कुलर सप्लाई इंक्रीज़ करता है यानी कि जब वहाँ पर जब एक्स्ट्रा साइकिल इसके चलते हैं वेस्कुलर सप्लाई जब होती है उस समय जो है कि इसका कलर चेंज हो जाता है ब्रीडिंग सीजन में अगर इसके जो हिस्टोपैथो हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर की बात करें इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें क्योंकि ये तभी जितनी भी आपने जानकारी दिया ये इसका मार्फोलॉजी था एक्सटर्नल स्ट्रक्चर लोकेशन ये सब कुछ हमने देखा अगर इस टेस्टिस के सेक्शन काट करके इसके अंदर का स्ट्रक्चर देखें तो उसे हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं हिस्टोलॉजिकली द फिश टेस्टिस कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कंपार्टमेंट अगर टेस्टिस को सेक्शन काटें तो इसके अंदर जो है दो तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देता है दो भागों में ये बंटा हुआ होता है दो भागों दो कंपार्टमेंट में ये बटा होता है देखिए कौन कौन दैट इज़ इंटरस्टीशियल एंड लोब्यूलर वन एक इंटरस्टीशियल भाग है दूसरा लोब्यूलर भाग है अब देखिए यहाँ इंटरस्टीशियल सेल्स ये इसका इंटरस्टीशियल सेल यानी कि ये लोब्यूल है ये छोटे छोटे लोब्यूल है एक भाग ये एक भाग ये है ये इस तरह से कई लोब्यूल है तो इस लेकिन हर पार्ट के हर डिपार्टमेंट के चारों तरफ एक जो है एक स्थान होता है ये देखिए इसके कवरिंग वाला भाग जो है ये तो इंटरस्टिशियल यानी एक लोब्यूल से दूसरे लोब्यूल के बीच में जो जगह होती है जो है इसे इंटरस्टिशियल सेल्स बोलते हैं इंटरस्टिशियल और का जो बना हुआ होता है और दूसरा जो है कि लोब्यूल है यानी लोब्यूलर पार्ट ये अलग अलग लोब्यूल अलग अलग भाग हैं दो भाग दिखते हैं द स्ट्रोमा बिटवीन लोब्यूल्स कंसिस्ट ऑफ इंटरस्टीसियल लेडिक सेल्स और जो है कि यानी कि द स्ट्रोमा बिटवीन दो लोब्यूल के बीच में एक यो लोब्यूल और एक यो लोब्यूल दोनों लोब्यूल के बीच में इंटरडिस्ट्रियल सेल है और इंटरस्टी इंटरस्टिशियल जो ये एरिया है इसके अंदर जो सेल होते हैं उसे लेडिक सेल बोलते हैं लेडिक सेल से ये सेपरेट होते हैं फाइब्रोब्लास्ट इसी के अंदर फाइब्रोब्लास्ट भी होते हैं इंटरडिस्टियलियल सेल में ही फाइबर्स लाइक स्ट्रक्चर फाइबर लाइक सेल्स भी इसी में होते हैं फाइबर फाइबर ब्लड एंड लिम्फ वेसल इसी में यानी कि इंटरशियर सेल में ही ये जो एरिया है इसी में जो है ब्लड भी पाए जाते हैं यानी ब्लड लिम्फ ब्लड वेसल्स ब्लड की नलकाएँ भी इसी में गुजरती हैं लोब्यूल को चारों तरफ द लोब्यूल दैट इज सेमनी फेरेस्ट ट्यूब्यूल ये जो लोब्यूल है ये वास्तव में होता क्या है ये सेमनी फेरेस्ट ट्यूब्यूल होता है लोब्यूल के अंदर जो होता है यानी ये जो अलग अलग डिपार्टमेंट है या कंपार्टमेंट है इसमें जो है कि सेमनी फेरेस ट्यूबूल जो है कि क्लोज होते हैं बंधे होते हैं आर क्लोजली बाउंड बाई ए थिन लेयर ऑफ कनेक्टेड टिश्यू अब देखिए इसमें जो है कि ये जो एक लोब्यूल है इस लोब्यूल के अंदर जो सेमनी फेरेस ट्यूबेल छोटे छोटे सेवनी फेरे ट्यूबुलल जो है कि वो अंदर भरे होते हैं और सब एक दूसरे तक कनेक्टिव टिश्यू द्वारा जुड़े होते हैं आपस में इस तरह से इसका स्ट्रक्चर इस में देखा तो इस तरह हम देख रहे हैं जो टेस्टिस का सबसे ऊपर का जो वाल फिगर का फोकस करेंगे ध्यान तो ये टी एस मेचोर टेस्टिस मेचोर टेस्टिस का ये सेक्शन है इसमें सबसे ऊपर जो है वाल ऑफ द टेस्टिस टेस्टिस का ये वाल है इसके बाद जो है कि लोब्यूल है तो ये लोब्यूलर पार्ट है लोब्युलर पार्ट में जो स्पर्म का फार्मेशन होता है ये देखिए स्पर्म है बीच बीच में ये स्पर्म है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स ये बन रहे हैं सेकेंडरी इसके पहले प्राइमरी स्पर्मेटोसाइड क्योंकि इसी के बाल से डराइव होकर बनते हैं फिर इसी में वही जो है आफ्टर सम टाइम दे फॉर्म स्पर्मेटिड इस्परमेट बनाते हैं स्परमेटिड और सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया बनता है इस तरह से हम देखते हैं कि इसी लोब्यूल के अंदर स्पर्म का फार्मेशन होता है स्परमेटो जब पढ़ेंगे इसी टेस्टिस के अंदर किस तरह से अलग अलग स्टेज में कैसे स्पर्म का यानी स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म तक का फार्मेशन कैसे हो रहा है वो स्पर्माटोजेंसिस टॉपिक में आप पढ़ेंगे अब इसी चीज़ को हम आगे डिस्क्राइब कर रहे हैं द द ट्यूब्यूल्स आर ऑफ वेरियस साइज अब इसमें जो ट्यूब्यूल्स होते हैं यानी कि इसमें लोब्यूल में वो अलग अलग साइज़ के होते हैं द ट्यूब्यूल्स आर ऑफ वेरियस यानी सबने ट्यूब्यूल की बात कर रहे हैं पेरियर साइज एंड आर हाईली कन्वॉलुटेड स्ट्रक्चर और ये काफ़ी मुड़े हुए यानी कि सिकड़े हुए मूड़े हुए होते हैं हाईली मतलब कि कन्वालुटेड होते हैं मूड़े हुए होते हैं एंड आर सेपरेटेड फ्रामीचर और सब एक दूसरे से अलग अलग होते हैं बाई ए थिन कनेक्टेड टिश्यू इस्टोमा और इनके इनके एक दूसरे जो एक सेमने फेरे ट्यूबल के बीच में जो कनेक्टेड टिश्यू है जिसको हम स्टोमा बोलते हैं इसी से ये सेपरेट होते हैं द वाल ऑफ द लोब्यूल आर नॉट लाइंड बाई ये परमानेंट जर्मिनल एपीथीलियम जो लोब्यूल का वाल है यानी ये जो लोब्यूल है ये लोब्यूल है लोब्यूल का जो वाल है ये जो परमानेंट परमानेंट जर्मिनल एपीथीलियम का नहीं बना होता है इसके लाइनिंग नहीं होते यानी टेम्प्रेरी होते हैं यानी इनका स्ट्रक्चर बढ़ता और घटता रहता है दो तो लोब्युलपन इंटू ए स्पर्मेटिक डक्ट और ये जो लोब्यूल है ये पूरा लोब्यूल ये जो एक एक इसी से जुड़ा हुआ जो स्पर्मेटिक डक्ट होता है उसी से ये बाहर खुलता है वीचीज़ जनरली लाइंड बाई है सेक्रेटरी एपिथीलियम और वो जो है कि सेक्रेटरी एपिथीलियम का बना हुआ होता है यानी उसी में से इस्पन का फॉर्मेशन जब हो जाता है तो उसी से तो निकल के बाहर आते हैं इस तरह से हमने देखा कि जो है कि जो गोनेट स्ट्रक्चर में पढ़ना पढ़ना है तो टेस्टिस का स्ट्रक्चर आपने ये इंटरनल स्ट्रक्चर देखा और ये जो है ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर हो गया इसका जो है कि ये मार्फोलॉजी हो गई और इसका लोकेशन इस फिगर में आपने देखा तो इस तरह से मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी टेस्टिस की स्टडी इस वीडियो में कम्प्लीट तो हुआ अब नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो में हम जो है कि इसे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन फिशेज लेकर के हम जो है कि हाजिर होंगे तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए थैंक यू